being hung, any Supreme Court judge, and उन्होंने कहा अगर disputing parties कहते हैं तो हम भी खुद आना चाहते हैं and उसमें mediation करना चाहते हैं. इसलिए कहा कि पिछले 6 साल से एक केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा था. सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसका इश्यू क्या है? लखनऊ बेंच ऑफ अलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में एक जजमेंट दिया. उन्होंने ये कहा कि ये कोई लीगल एविडेंस नहीं है रामलाला वहां जन्म हुए थे या नहीं हुए, लेकिन क्योंकि देयर इज ए पॉपुलर बिलीफ, पूरे हिंदू समाज का पॉपुलर बिलीफ है, विश्वास है कि राम का जन्म वहीं हुआ था, तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि वहां जन्म हुआ था. लेकिन उन्होंने कहा उसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते हैं कि सारा जमीन को राम को दे, राम के प्रॉपर्टीज को दे दिया जाए. उन्होंने कहा कि क्योंकि मुसलमान लोगों ने पिछले 500 साल से 1528 में कहा जाता है ये मस्जिद बना, जो मस्जिद उन्होंने 1528 में बाबर के एक जनरल ने बनाया था, तो इसलिए उनको उनका भी कुछ उसके ऊपर अधिकार है. तो कोर्ट ने कहा ये पूरा जमीन को हम 3 टुकड़ा करेंगे और उसमें से 2 टुकड़ा हिंदू धर्म के जो प्रोपोनेंट्स हैं उनको मिलेगा और 1/3 मुसलमान को मिलेगा. ये जो प्रोविजन उन्होंने किया तो उसको दोनों को संतुष्ट करने के लिए किया था. कोई एक को अगर केवल ये कहते कि नहीं ये हिंदू धर्म के राम का जन्मदिन जन्म स्थल है तो पूरा जगह राम को दिया जाता है, मुसलमान का इसमें कोई हक नहीं, शायद मुसलमान समाज उस पर बहुत एडवर्सली दिया करता. और ये कहते कि नहीं यहां राम जन्म का कोई प्रूफ तो नहीं है और प्रूफ है कि यहां मस्जिद है, क्योंकि मस्जिद इज एन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मंदिर वॉज नॉट एन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, तो इसलिए आप ये जमीन पूरा मुसलमान को दे दिया जाए. तो पूरा हिंदू समाज रिएक्ट करता है बस कि ये एक्सेप्टेबल नहीं, एंड स्पेशली दैट विल बी मोर डेंजरस थिंग, क्योंकि हिंदू समाज हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, ओवरवेलमिंग आ जाए मोर देन 80% of India's population, so then that would have created a problem. So ye virtually jo Lucknow bench ne koi legal judgment nahi diya tha, unhone wahi mediation hi kiya tha ki ek samjhota kiya jaye, jaise jiske tarah koi dono thoda thoda dukhi honge lekin koi ek hatash nahi hota. Nobody will be fully pleased, nobody will be completely displeased. इस तरह के and actually वही हुआ. उसके बाद सब ने सारे हिंदू कम्युनिटी और मुसलमान कम्युनिटी दोनों ने कहा नहीं हम तो हाईकोर्ट का ये तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे साथ नया नहीं हुआ है. लेकिन सबने कहा फिर भी क्योंकि हमको कुछ हक मिला है तो इसलिए हम कोई स्ट्रिक्ट प्रोटेस्ट में नहीं करे जाएंगे, हम इसके खिलाफ एक और जगह है
हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हम उसको लेकर के गए एंड उसी तरह फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एंड इवन हिंदू कम्युनिटी ने विश्व हिंदू परिषद ने भी वही कहा कि हमारा हक बनता है ये सारा जमीन हमको ही मिलना चाहिए लेकिन हमको केवल दो तिहाई जमीन दिया एक तिहाई मुसलमान को दे दिया वो हमको हम भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसके खिलाफ हम भी कोर्ट में जाए तो दोनों पार्टी कोर्ट में गए एंड उस तरह से यू फाइंड कि द मैटर 2011 में सुप्रीम कोर्ट में आया तब से सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे हियरिंग हुए हैं वही एक हियरिंग अभी पिछले हफ्ता जब था तो कोर्ट ने ये कहा कोर्ट ने एक्चुअली सारे जो दस्तावेज हिंदू समाज की प्रतिनिधि उन्होंने हजारों लाखों दस्तावेज दिया है और मुसलमान प्रतिनिधि भी दिया है अपना अपना क्लेम को एस्टैब्लिश करने के लिए लेकिन वो कहते हैं कि कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जो कि कंप्लीटली एस्टैब्लिश करता है कि यहां मंदिर था मुसलमान का क्या क्लेम है जब बाबर और बाबर के जनरल ने यहां मस्जिद बनाया उस समय कोई मंदिर नहीं था कुछ वो पूरा खाली जमीन था जो खाली जमीन में उन्होंने कोई मंदिर को उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया कोई स्ट्रक्चर वहां मंदिर या दूसरे कोई स्ट्रक्चर नहीं था ये खाली जमीन था जिसपे एंड वो अपना मुगल पीरियड का कुछ डॉक्यूमेंट्स को उसके एविडेंस करके देते हैं लेकिन हिंदू समाज का ये कहना है कि नहीं इस वहां एक्चुअली एक स्ट्रक्चर था जो स्ट्रक्चर को उन्होंने डिमोलिश किया 500 साल ये तो कोई एस्टैब्लिश नहीं करता हजारों लाखों साल पहले कब राम जन्म हुए थे एंड दैट्स पार्ट ऑफ द मिथ सो उसका तो कोई वो तो विश्वास की बात है वो कोई प्रूफ नहीं हो सकता है लेकिन एक मंदिर हो सकता है शायद एक प्रूफ हो सकता है तो दिल्ली लखनऊ हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो एएसआई जो इंडिया का लीड बॉडी है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कि आप जाकर के आप यहां एस्टैब्लिशन करके देखिए कि यहां क्या हुई प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था तो एएसआई ने भी कई साल एस्टैब्लिशन करके बताया कि रेडियो कार्बन डेटिंग जो कहते हैं कार्बन डेटिंग करके ये बताया कि लगता है कि कोई प्रीवियस स्ट्रक्चर हो सकता है यहां था लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके तहत हम कह सकते हैं कि विद एनी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी कि यहां स्ट्रक्चर थे प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर थे लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ एस्टैब्लिशन करके कुछ चीजें मिला है जिसके जिससे लगता है कुछ कॉइन्स मिला है कुछ ये मिला है जिसके तहत लगता है कि शायद ये पहले कोई टेम्पल स्ट्रक्चर और सिमिलर स्ट्रक्चर हुई थी लेकिन एएसआई ने फॉर श्योर विद इनफ आर्कियोलॉजिकल प्रूफ के साथ कहने में इनकार कर दिया कि यहां सही में स्ट्रक्चर था और जब एएसआई ने मना कर दिया बाकी तो कोई जज को तो कोई ज्ञान नहीं है कि वो अपने बताएंगे कि हाँ यहाँ था या नहीं था उन्होंने कहा कि भाई एएसआई भी एस्टैब्लिश नहीं कर पाए तो इसलिए हम लीगली ये नहीं कह सकते हैं कि ये हिंदू के स्ट्रक्चर है लेकिन क्योंकि लाखों करोड़ों हिंदुओं का ये विश्वास की बात है तो विश्वास को लेकर के हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये उनका जगह है यही राम जन्म हुए थे और इसलिए उनका और क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है उनका इस पे रिलेटिवली ज्यादा अधिकार है सो उनको 2/3 की प्रोपोर्शन ऑफ द लैंड को दिया गया
सो द सुप्रीम कोर्ट जो जो डिलेमा हाई कोर्ट के पास था कि लीगली कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकते, प्रोनाउंसमेंट नहीं दे सकते, लीगली कोई एडजुडिकेशन करना संभव नहीं है क्योंकि लीगली क्लियर कट डॉक्यूमेंट्स या क्लियर कट एविडेंस नहीं है. द बेस्ट एविडेंस कुड हैव बीन गिवन बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भी देने में असमर्थ रहा. तो इसलिए एक एक्सेप्टेबल वर्चुअली एक मीडिएशन करके एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन लखनऊ हाईकोर्ट ने दिया, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया. हाईकोर्ट ने आया तो स्टे कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के पास एग्जैक्टली वही एविडेंस है जो लखनऊ हाईकोर्ट के पास गया था, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट भी शायद इन्होंने तीन पार्ट किया हो, शायद चार पार्ट करे या पांच पार्ट करे, क्या उसको किसी तरह से डिवाइस करके नया सिस्टम कुछ बना सकते हैं, बट दैट विल बी अगेन गोइंग बैक टू स्क्वायर वन जो हाईकोर्ट ने किया था. तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम कोई जुडिशियल एडजुडिकेशन करने में समर्थ नहीं है. इट्स बेटर कि आप उसको अपने भाईचारा में बात करके एक समाधान निकालें, और बात करके समाधान अगर निकालेंगे तो शायद उससे उस प्रोसेस में हम आपकी मदद कर सकते, दोनों पार्टी को मदद कर सकते. आप ये देखें कि शायद जैसे हिंदू महासभा बीजेपी ये लोगों ने वेलकम किया है कि ठीक है बातचीत में अगर हो सकता है कोई खराब नहीं. इवन कुछ मुस्लिम ग्रुप्स ने बात किया है कि हम भी चाहते थे कि बातचीत से सुलझ जाए, लेकिन नहीं हो पाया था, तो होए तो अच्छा बात है. लेकिन कुछ मुस्लिम ग्रुप्स का ये कहना है बातचीत हम तब कर रहे थे जब एक सरकार इस देश में था जो सरकार का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें नहीं था. वो सरकार दोनों पक्ष से, हिंदू ग्रुप से और मुसलमान ग्रुप से अलग थे, क्योंकि अभी के स्थिति में जो सरकार है केंद्र में जो है और उत्तर प्रदेश में भी जो है, वो दोनों एक पार्टी के साथ जुड़े हुए, क्योंकि उन्हीं लोगों ने जो अभी सरकार में वही लोगों ने ही ये राम जन्मभूमि मूवमेंट को लीड अगुवाई किया था. तो इसलिए उनका रहते हुए फिर इसका कोई समाधान निकल नहीं सकता हम बातचीत से. सो इससे बेहतर है कि कोर्ट जो फैसला सुनाए उस फैसला को भी सब लोग एक्सेप्ट करें. उसमें ये जो सवाल है, तो अफकोर्स कोर्ट का फैसला को इवन बीजेपी और बाकी लोगों ने, बीजेपी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप्स हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने कहा है कि हम एक्सेप्ट करेंगे. लेकिन जो फ्रिंज ग्रुप्स हैं संघ परिवार की, जैसे हिंदू महासभा एंड वो, उनका ये कहना है कि हम हमारे पक्ष में अगर आदेश नहीं आएगा तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम मंदिर बनाएंगे. सो ये जो ये तो जैसे मैंने पिछले वाले लेक्चर में कहा था कि देयर आर टू साइड, जो लोग पावर में है पोजीशंस में है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं, वो जो सही बात है जो जो डेमोक्रेटिक तर्क है उसी के मुताबिक बात करते हैं. लेकिन जो लोगों का पावर से रिश्ता नहीं है लेकिन उसी बड़े परिवार से जुड़े हुए हैं और उस मूवमेंट को आगे करना चाहते हैं, वो उनको डेमोक्रेटिक स्पिरिट और कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं है. वो कहते हैं हमारा धर्म का और हमारा समाज का अगर विश्वास है उसको हम लेकर के रखेंगे. सो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर में फिर ये मैटर रहता है. तो ये एक इश्यू है कि इस सिचुएशन में
सुप्रीम कोर्ट ने जो सजेशन दिया कि हम उसको मीडिएट करना चाहते हैं, क्या ये मीडिएशन संभव है और वो मीडिएशन का कोई आउटकम होगा? आप ये जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट 70 साल पुराना, वो तो ऑफकोर्स 70 साल के बहुत से बहुत पहले भी का पुराना है, उससे पहले भी जब ब्रिटिश सरकार था तो ब्रिटिश सरकार ने भी जब उस इश्यू आया था तो ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश के जो अयोध्या के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उन्होंने भी अपना एक जजमेंट दिया था कि उस समय उन्होंने कहा था कि 356 साल पहले मेरे दस्तावेज के मुताबिक ये मस्त बना, लेकिन ये मस्जिद बनने से पहले मंदिर था या नहीं उसके पास उसका कोई ठोस सबूत मेरे पास नहीं है, तो इसीलिए मैं शायद एक्सेप्ट भी कर सकता हूं कि शायद एक मंदिर था, बट उसको लेकर के मैं फिर कोई कार्रवाई अभी करने के सक्षम स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि मेरे मैं उसी पे कार्रवाई कर सकता हूं जो मेरे सामने वस्तु स्थिति है, और वो वस्तु स्थिति यह है कि अभी एक मस्जिद है और वो मस्जिद को हम एग्जिस्टिंग रियलिटी के तहत मानते हैं। आज क्योंकि ब्रिटिश सरकार था उस समय, फिर जो हिंदू ग्रुप्स जो हैं, जो आरएसएस हिंदू महासभा जो 1925 में बन गए थे, उन्होंने फिर और इस बात को आगे बढ़ा नहीं पाए क्योंकि ब्रिटिश सरकार के सामने उनके कोई और दूसरे उपाय नहीं था उनको कन्विंस करने के लिए। लेकिन भारत जब स्वाधीन हुआ 47 में, स्वाधीनता के साथ भारत का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट, इस्लाम के नाम पे धर्म के नाम पे अलग स्टेट पाकिस्तान बना, तब फिर बहुत जो मुसलमान कंटिजुअस एरिया मुस्लिम जो पाकिस्तान जो एरिया क्रिएट हुआ बंगाल स्प्लिट करके और पंजाब स्प्लिट करके, तो वो एरिया में जो मुसलमान थे वो तो रहे, कुछ केम बैक टू इंडिया, बट मेजॉरिटी ओवरवेलमिंगली लार्ज मेजॉरिटी मुस्लिम पाकिस्तान में रहे। बट उस समय आरएसएस और हिंदू महासभा का ये डिमांड था कि मुसलमान के लिए अगर अलग राज्य बना तो सारे मुसलमान वहां जाना चाहिए, सारे मुसलमान जो डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं वो कंटिन्यूअस स्टेट में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो एक ही एक वेस्ट और ईस्ट में बना जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, जो अभी बांग्लादेश है उधर वेस्ट पंजाब है, लेकिन वो बीच में भी जितने लोग हैं जो मुसलमान हैं उनको भी यहां छोड़ करके पाकिस्तान में जाना चाहिए। एंड देयर वाज ए वेरी 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 स्ट्रॉन्ग डिमांड विद इन कांग्रेस पार्टी भी, बहुत सारे लोग जो जिन्ना से खफा थे उन्होंने भी ये पोजीशन को स्ट्रॉन्गली रखा कि मुसलमान सबको कहा जाए वो भारत छोड़ के पाकिस्तान में जहां जाना चाहे वो जा रहे हैं, भारत में उनका रहने का और कोई उचित नहीं। लेकिन द ओनली मैन हु वाज सो स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट इट वाज देन द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने मेड ए वेरी वेरी क्लियर पोजिशन दैट हमारा देश सेक्युलर स्टेट है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी आर मेकिंग एज ए सेक्युलर स्टेट, एंड यहां एवरी वन पर्सुइंग एनी रिलीजन इज वेलकम, वी विल नॉट फोर्स एनीवन टू लीव दिस कंट्री
एंड जो अपना मर्जी में जाना चाहते हैं वो जाए, लेकिन हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे कि आप यहाँ छोड़ के पाकिस्तान में जाएं बिकॉज आप मुसलमान का अलग स्टेट बना. देयर वॉज इंटरनल टेंशन एज वेल ऑन दिस. ऑल्दो the exchange of letters suggests even Sardar Patel had at one point said that the Muslims should be asked to migrate to Pakistan. But Nehru convinced Sardar Patel and ensured that BE as the Home Minister will have to take this step to ensure that the Muslims who refuse to migrate to Pakistan are not put to any inconvenience by the Hindu extremist groups. So Patel finally accepted. That is the time, just Swadhinta ke baad, Somnath Mandir jo hai. Somnath temple was a temple which was ravaged by the Muslim murderers. And it was an established proof. So जैसे भारत स्वाधीन हुआ तो ये हुआ कि भाई हम ये सोमनाथ मंदिर को रेनोवेट किया जाए. और क्योंकि गुजरात में था पटेल, वहां के सबसे प्रमुख नेता थे. एंड पटेल बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ देयर कैंपेन एंड लॉट ऑफ रिसोर्सेस वर जनरेटेड. And there also Nehru raised strong objections. उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर का रेनोवेशन शुड बी ए कंप्लीटली प्राइवेट अफेयर. इसमें दे स्टेट शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रोल, क्योंकि दैट विल गिव रॉन्ग सिग्नल्स. स्टेट के जो सरकार में डिफरेंट पदवी में हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑक्यूपाई किए हैं, वो कोई मंदिर मस्जिद या चर्च के काम में अपने को इन्वॉल्व करना गलत होगा. एंड ही देन ऑल्सो पर्सुएडेड सरदार पटेल. तो सरदार पटेल ने जो उन्होंने कहा सरदार पटेल को, सरदार पटेल ने ये कहा था कि आई विल डू इट इन माई personal capacity and not in my official capacity as the Home Minister. But उन्होंने कहा कि you cannot have a split personality. One moment you are the Home Minister, another moment you are a private citizen. That itself will send out wrong messages. And Patel accepted it and then he withdrew his name as the President or the Chief Minister of the Somnath Reconstruction. But ये है कि because of this insistence of Nehru, finally you find कि partition के समय करीब करीब 20% कहा जाता है मुसलमान partition के पहले 20% मुसलमान भारत देश में थे. और जब पाकिस्तान स्टेट क्रिएट हुआ और बहुत सारे मुस्लिम्स चले गए, फिर भी 10-12% ऑफ जो पॉपुलेशन जो है मुसलमान भारत में रह गए. एंड देयर रिहैबिलिटेशन एंड सिक्योरिटी became a major concern of the Nehru government. उस समय 47 में ये जो स्थिति चला, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, 1949 was a very landmark year in the history of the Ayodhya dispute. उस समय obviously lot of sadhu संत लोग बहुत protest कर रहे थे कि भारत स्वाधीन हुआ फिर भी हिंदू धर्म के लोगों को, मुसलमान का अलग राज्य बन गया बट हिंदू का राम का जन्मदिन जन एरिया को हमको नहीं मिल रहा है.
उसमें एक इंडियन मीडिया तो has not done any story in this, at least I have not done my own story. But Wall Street Journal, America ka jo ek newspaper hai, Wall Street Journal ki ek correspondent ki ek story put together kiya 1949 mein. 1949 mein suddenly ek jo church tha, church mein us samay tak kya tha, चर्च चर्च के अंदर में मुसलमान जाके प्रेयर करते थे, चर्च के बाहर एक मिडशिफ्ट मंदिर बनाया गया था जिसमें हिंदू जाकर के पूजा करते थे. बट 1949 के एक रात में सडनली मस्क के अंदर कुछ भजन कीर्तन शुरू हो गया एंड रात को 3 बजे बहुत सारे साधु लोग वहां जाकर थे. वहां के जो गार्ड्स थे वो गार्ड्स को हटा कर थे, उन्होंने अंदर में कुछ पूजा कीर्तन संकीर्तन शुरू किया और उन्होंने ये प्रचार किया कि भगवान राम खुद आविर्भाव हुए और वहां के जो कृष्ण का हमको सपने में दिखा कि भगवान राम यहाँ आए हैं, इसलिए हम अपना वेद छोड़ के यहाँ आए कि हमको एक स्पिरिचुअल फोर्स नहीं खींच के यहाँ ले आया कि. एंड वहां क्या था, अंदर में बड़े बड़े आइडोल्स थे, राम के राम की मूर्ति सब बना करके अंदर में किए थे. तो कि तो 5 जो मेजर प्रेस वहां उस एरिया के हैं, उन्होंने कहा कि हमको सपना आया और सपना में हमने देखा कि राम भगवान राम यहाँ आए हैं, तो हमने उनका पूजा करने के लिए इसके अंदर आया. तो पूजा तो ये मैटर जब स्प्रेड किया, सुबह होते होते लाखों लोग वहां बाहर कि भगवान राम आविर्भाव हुए हैं और उसमें इतनी जो स्थिति आई. तो द मैसेज उस समय गोविंद बल्लभ पंत जो टावरिंग लीडर फ्रीडम मूवमेंट के भी थे, वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे. और तो ये जब मैटर प्राइम मिनिस्टर को गया तो नेहरू वांटेड कि दिस शुड नॉट बी अलाउड टू हैपन. उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत से लिखा दिया कि आप ये जो हैं आइडल्स को वहां से हटाइए. बट पंत ने कहा कि इतने हजारों लाखों लोग हैं और कह रहे हैं कि नहीं भगवान अपने ही आविर्भाव हुए हैं, मैं कैसे क्या करूं. तो उन्होंने वहां के जो सिटी मजिस्ट्रेट को फिर भी आदेश दिया कि आप ये लोगों को हटाइए और उसमें स्टेटस को एंट लाइए, इन द सेंस कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आइडल्स को हटा कर दें. जो सिटी मजिस्ट्रेट थे जयवीर सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा नहीं मैं भी राम भक्त हूं और मैं ये नहीं कर सकता, मैं रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार. उन्होंने उस समय अपना रेजिग्नेशन दे दिया कि हम ये नहीं हटा सकते. उस समय वहां एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे के नायर. फिर गोविंद बल्लभ पंत का निर्देश आया कि नायर साहब को कि आप वो सिटी मजिस्ट्रेट तो
रिजाइन कर दिया है, आप वहां जाकर के वहां का काम देखिए और सामान्य स्थिति लाइए, स्टेटस को एंड वहां भी एस्टैब्लिश करिए। बट अनफॉर्चुनेट ए बट नायर साहब ने भी कहा मैं भी राम भक्त हूं, मैं राम भक्त हूं, मैं तो इतनी राम का बेइज्जती कर नहीं सकता, मुझे उनको फिर आता हूँ वहां भगवान अगर खुद आए हैं उनको कैसे मैं हटा सकता हूँ। तो ही ऑल्सो रिफ्यूज टू एक्ट एंड देन के नायर ऑल्सो रिजाइन फ्रॉम द सर्विस। एंड वो सिचुएशन में फिर ये सिचुएशन में गोविंद वाला पंथ वॉज इन ए एब्सोल्युटली डिफिकल्ट सिचुएशन, हु डू डज ही अपॉइंट हु वुड बी एबल टू टेक एक्शन, so they slept over the matter. Finally, एक भाया मीडिया बनाया गया कि बाबरी मस्जिद का मेन दरवाजा बंद होगा, एक छोटे दरवाजे से वहां सेक्शन 444 इम्पोज होगा, ओनली एक एक करके लोग आकर के अपना पूजा करेंगे एक कोने में, और दूसरे कोने में मुसलमान लोग जाकर के वो भी एक छोटे दरवाजे से जाके अपना प्रेयर कर सकते हैं। बट सिंस देन इट हैज बीन ए क्लास ऑफ टू वॉरिंग ग्रुप्स, टू वारिंग ग्रुप्स, दैट हिंदुओं का डिमांड है कि हमारे भगवान राम खुद आविर्भाव हुए हैं तो ये पूरा जगह हमको ही मिलना चाहिए, मुसलमान को पूरा हटाना चाहिए। तो मुसलमान का कहना है कि 500 साल से ये हमारा जगह था, यहाँ पूजा कर रहे थे, सडनली ये रातों रात ये कंस्पिरेसी करके इन्होंने राम के आइडल को इंस्टॉल किया और हमको बेगा कर दिया, एंड दैट इज हाउ द बैटल वेंट ऑन। बट रिमेंबर दैट टाइम, दैट वाज अ टाइम व्हेन मुस्लिम्स वर नॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल, क्योंकि जस्ट आफ्टर पार्टीशन वह मुस्लिम का इस देश में रहना ही क्वेश्चनेबल था, बहुत लोग सवाल करते थे इसको यहां रहने देना नहीं है तो बाहर जाए, तो उस समय वो अपना राइट्स के लिए फाइट करें वो तो संभव नहीं था, वो दब के रह गए थे उस समय कि क्योंकि उनका अपना लाइफ सिक्योरिटी was itself in doubt, apna existence was itself in doubt, isliye gradually Aurelia ko Hindus ne more or less captured kiya, lekin over a period of time jaise 1950 mein constitution enforced hua, 52 mein chunav hue, chunav mein of course because Congress was the party, as we discussed, Congress was a party which had led the freedom struggle, which was the most important party. Unhone, they won a sweeping victory, and of course, Musalman, kyunki Nehru, Jawaharlal Nehru, Prime Minister the, aur Congress ke pramukh leader the, to most of the Muslims ne Congress ko vote kiya. Wo sthiti 57 mein barkar aa rahi hai, ek Congress had the overwhelming majority, close to 400 seats in parliament and sweeping victory in states like Bihar and Uttar Pradesh, and 62 sthiti aaya. By the time 1967 election happened,
Muslims had started to realize their strength as a major vote bank. That they are a major vote bank and they cannot be taken lightly. Jitne parties hain, unko agar hamare vote bank are, and because they were a minority, strong minority, they were generally voting in a consolidated way for the candidate. जो उनके इंटरेस्ट को या कम्युनिटी के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएगा तो दैट्स द रीजन ग्रेजुअली देयर वॉइसेस बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे बिकेम मोर एंड मोर एश्योर्ड कि हमारा बाबरी मस्जिद को हमको रेस्क्यू करना है बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द आरएसएस इंद्र महाशबा इवन जनसन They were also doing a major campaign, हमको पूरा राम जन्मभूमि को मुसलमान से रिक्लेम करना है सो ये अगले 30 साल में ये लड़ाई चलती रही फाइनली यू नो इन व्हेन इंदिरा गांधी वॉज assassinated in 1984 and Rajiv Gandhi won a sweeping victory. उस समय that famous legal case, Sahavano case आया. What was the Sahavano case? Sahavano case था कि एक मुस्लिम महिला जो करीब 30 साल एक अच्छे नामी वकील से शादी किए थे, उनको उनके हस्बैंड ने डिवोर्स कर दिया का ये था कि मुसलमान जैसे आप जानते हैं कि मुसलमान उनके पर्सनल लॉ के मुताबिक वो अलाउ करता है कि चार शादी कर सकते हैं तो उन्होंने चार शादी की और लेकिन उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन के कुछ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में उनके चिल्ड्रन की जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट वाइव्स के कुछ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में इशू था तो वो इशू को टाइड ओवर करने के लिए उन्होंने पहले बीवी को पहले डिवोर्स किया सो डिवोर्स करने का मतलब यह है कि एज पर मुस्लिम पर्सन कोर्ट थी यू देन द वुमेन हैज टू डिफेंड हरसेल्फ हस्बैंड चाहता है तो कुछ दें बट कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है आपको कुछ देना है मेंटेनेंस के लिए केवल जो इस्लाम में एक है मेहर जो शादी के समय में डिसाइड होता है वो एक अमाउंट देना है जो एंड इनके केस में साबर के हस्बैंड ने उनके जो एग्रीमेंट शादी के समय मेहर का अमाउंट 3,000 रुपया था वो 3,000 रुपया उन्होंने उनको दे दिया एंड कहा कि फिर हमसे और कुछ एक्सपेक्ट मत करना तो ऑब्वियसली सम पीपल प्रोपेल था विद इन मुस्लिम कम्युनिटी भाई इसके खिलाफ तुम कोर्ट में जाओ तो वो कोर्ट में गई तो कोर्ट में जब ये इश्यू आया तो उसके हस्बैंड और उसके लॉयर ने कहा कि हम वी आर गवर्न बाई मुस्लिम पर्सनल लॉ यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है सो हम अपने अपने पर्सनल लॉ से गवर्न्ड होते हैं और हमारा पर्सनल लॉ कहता है कि हमको डिवोर्स्ड वाइफ के लिए कोई मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं हमारा लीगल रिक्वायरमेंट जो है एक मेहर का अमाउंट हमने वो दे चुके हैं हमको और कुछ देने की जरूरत नहीं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय एक पोजीशन दिया कि आपने तो 3,000 रुपया दे दिया लेकिन 3,000 रुपया में वो कितना दिन जिंदा रहेगा उसके बाद कौन इसका देखभाल करेगा ना वो हम उसके बारे में नहीं जानते हम तो आई एम नॉट सपोज टू आंसर दैट क्वेश्चन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हर एनी मोर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं सर्टन कॉमन लॉ कोड जो है कि जो कॉमन लॉ कोड कहता है कि डिवोर्स के समय में अगर वाइफ का अपना अर्निंग नहीं है
एंड द हस्बैंड इज इन ए पोजीशन टू प्रोवाइड फॉर हर, उसका अगर अपना पर्सनल अर्निंग है तो उनको मेंटेनेंस देना होगा, और मेंटेनेंस का क्या अमाउंट होगा वो अपने डायलॉग से डिसाइड हो सकता है, अगर वो डिसाइड नहीं हो पाता है तो कोर्ट तय करेगा कि कितना अमाउंट उनको पूरा कम्युनिटी स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेड सर नथिंग डूइंग वी आर गवर्न बाय मुस्लिम पर्सनल लॉ, हम कोई कॉमन लॉ हमारे ऊपर लागू नहीं हो, बट सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू टेक दैट लाइन एंड सेड अल्टीमेटली ए वुमन which a citizen of India has certain fundamental right, and if that fundamental right is being violated by your personal law, that personal law will be set aside and common law will prevail. Then, and if there is a judgment saying that the husband has to give and they stipulate acceptance, that amount is small, 125 rupees, this is not a big deal, although that was the year 1985. But, and that is the amount that was given, but that's the time the Muslim community had become emboldened, strong vote bank politics there. You know. The entire Muslim water board and Muslim Babri, a Muslim action committee, came out on the streets across the country and said, we do not accept this Supreme Court judgment, which interferes with our personal law. That's the time, you know, Rajiv Gandhi had won a historic election with 415 seats. Even Nehru had not had that number. Nehru never crossed 400 seats. Indira Gandhi certainly did not cross that number. But he had got that seats with such degree of confidence and majority. Rajiv Gandhi, when the matter came up in Parliament, Rajiv Gandhi deputed a leader, Arif Muhammad Khan, who was the president of Aligarh Muslim University Students Union, a very powerful Muslim leader, and he made Arif Muhammad Khan speak on Parliament, and Arif Muhammad Khan spoke on the floor of the Lok Sabha for a full 1 hour, 55 minutes, defending the Supreme Court and saying that the time has come, Muslims have to accept common uniform civil code, that they have to accept that personal law will be overridden by common law. उससे all nation भर में इतनी protest हुई, and सारे जगह Muslim organizations put out banners, posters, leaflets saying the we will teach Congress a lesson in the next election. Somehow many other Muslim leaders within the Congress, the Congress as a party had the largest representation of Muslims there, they persuaded Rajiv Gandhi not to antagonize Muslims. That would be, they said, suicidal. And somehow Rajiv Gandhi got persuaded. And then they created and piloted an ordinance in Parliament. Ordinance, ironically, ordinance ka wording tha defending the rights of women. But ordinance was actually nullifying the rights jo Supreme Court ne diya tha women ke liye,
वो राइट तो मुस्लिम कम्युनिटी के जो वुमेन के लिए जो राइट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो राइट को नॉलीफाई करके उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ विल प्रिवेल इन द मैटर। लेकिन ये जोड़ा कि अगर मुस्लिम औरत जो उनको डिवोर्स कर दिया गया उसको मुस्लिम उसके हस्बैंड और फैमिली सपोर्ट नहीं करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि वो औरत के पेरेंट्स पेरेंटल फैमिली उसके पेरेंट्स पेरेंट्स जितना नहीं है तो भाई बहन जो भी हैं उनकी इमीडिएट फैमिली शुड टेक केयर ऑफ हर। और ये स्थिति है कि इमीडिएट फैमिली अगर टेक केयर करने के लिए प्रस्तुत नहीं है नॉट रेडी या वो टेक केयर करने का सक्षम नहीं है तो इन दैट केस उन्होंने कहा सरकार इन औरतों का मेंटेनेंस के लिए पैसा दे। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने कहा कि हम वुमेन्स राइट्स का प्रोटेक्शन कर रहे हैं लेकिन एज ए लीगल स्ट्रॉन्ग लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वुमेन को राइट्स दिया उसको उन्होंने नॉलीफाई कर दिया। तो ये ऑर्डिनेंस ऑफकोर्स राजीव गांधी का उस समय 2/3 मेजोरिटी था लोकसभा में भी था राज्यसभा में भी था तो उन्होंने उसको आराम से पास करा लिया एंड वो जो पास करा लिया उससे भी एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी वाज सो एम्बल्ड। इनफैक्ट उन्होंने अपना विक्ट्री मार्च देश भर में जारी किया बट उसी से फिर राम जन्मभूमि का हिंदू कम्युनिटी का जो एसोसिएशन फिर जो कि अभी गवर्नमेंट था क्योंकि कोई इश्यू नहीं था सडनली ये मुसलमान कम्युनिटी है बिकम सो असर्टिवेंट अपना राइट्स को ये किया करते हुए हिंदू कम्युनिटी हिंदू महासभा विश्व हिंदू परिषद ने अपना ये किया कि हम अभी वही मंदिर बनाए। ये जो कैंपेन उन्होंने बड़े पैमाने में शुरू और सारे देश के डिफरेंट हिंदू कास्ट ग्रुप्स को मोबिलाइज किया कि सब लोगों को मैन पावर देना होगा मटेरियल देना होगा और मनी देना होगा मनी मैन पावर मटेरियल देकर के ये राम मंदिर को हम बना सकते हैं। ये मोबिलाइजेशन विश्व हिंदू परिषद एक्सेट्रा वेयर स्टार्टेड डूइंग in immediately after 87, 88, 89 और वो मोबिलाइजेशन में उस समय आप जानते हैं कि पहले जो जनसन पार्टी था जनसन जो जनता पार्टी में मर्ज कर गया था 75 में 77 में इलेक्शन में 1980 बट उसमें फिर स्प्लिट हो गए 1980 में जब नया पार्टी बना जनसंघ के जो लोग थे अपना पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी बना तो बीजेपी उनको बहुत बड़ी पैमाने में ये विश्व हिंदू परिषद की कैंपेन को सपोर्ट किया। उसके चलते आप ये देखें कि 1984 में बीजेपी को केवल पार्लियामेंट में लोकसभा में 2 ही सीट मिले थे और 1999 में वो 85 बीजेपी आए तो उस समय जो राजीव गांधी के एंड राजीव गांधी तो आप जैसे जानते हैं 85-86 के बाद 87 से जो बोकोस कांड शुरू होता है बोकोस से एम्ब्रॉयड होते हैं एंड बीपी सिंह रिजाइन करते हैं। बीपी सिंह जो उनके अर्थमंत्री थे और डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने करप्शन चार्ज लगाया राजीव गांधी को रिजाइन करते हैं। आरिफ मोहम्मद खान जिन्होंने डिफेंड किया था उन्होंने जब राजीव गांधी ने ये उल्टा स्टैंड लेने लगा
कम्युनल फोर्सेस इन मुस्लिम्स को सपोर्ट करने लगे, तो उन्होंने भी रिजाइन कर दी। ये सब मिला मिलकर के जन मोर्चा बनाया। तो 89 के चुनाव में बीजेपी इमर्ज एज अ मेजर फोर्स बट ऑब्वियसली इन द मेजॉरिटी मेकर, एंड कांग्रेस बिकेम द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन उसके पास भी 145 सीट्स कांग्रेस को मिला, 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए, एंड सो कांग्रेस वाज नॉट इन अ पोजीशन टू फॉर्म गवर्नमेंट। सो क्या करें, तो फिर वीपी सिंह ही प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह के नंबर्स वेरी लेस, लेकिन उनको एक तरफ से बीजेपी सपोर्ट किया और दूसरे तरफ से कम्युनिस्ट सपोर्ट किया, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ ये सारे पार्टीज थे, तो इसलिए उन्होंने ये सरकार को उस समय बनाया। तो वीपी सिंह के समय में क्योंकि बीजेपी उनको सपोर्ट कर रहा था, बीजेपी पुट लॉट ऑफ प्रेशर कि राम जन्मभूमि मंदिर का ये इश्यू किया जाए, और उस समय वीपी सिंह ने बहुत सारे मीटिंग्स किए, कमिटीज बनाए, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाए, हिंदुओं को बुलाए, और उसमें एक सोल्यूशन थी, बट सब अपने अपने जगह पड़े हुए थे। वही 8 inch जमीन बाहर छोड़ने के लिए सब पूरा जमीन अपने लिए चाहते थे, एंड फिर कोई सोल्यूशन नहीं मिला। उस समय वीपी सिंह कि अपने सरकार की स्थिति दिक्कत में थी, तो इसलिए उन्होंने उस समय जो एक बैकवर्ड कम्युनिटी की सपोर्ट को विन ओवर करने के लिए मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट किया 1990। तो मंडल बाय डूइंग दिस मंडल इमीडिएटली बैकवर्ड कास्ट के सपोर्ट बेस को वो अपने तरफ खींचने का कोशिश की। उससे ऑब्वियसली बीजेपी वाज एक्सट्रीमली अनहैप्पी, क्योंकि बीजेपी उस समय एक पार्टी ऑफ जनरली द पार्टी ऑफ अपर कास्ट थी, तो ये मिडिल क्लास को आप रिजर्वेशन देने की जब बात की तो अपर कास्ट पीपल वुड बी द बिगेस्ट सफरर। अगर रिजर्वेशन सारे ओबीसी को भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आप ले आएंगे तो नंबर ऑफ सीट्स में सरकार में भी डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स में भी घट जाएगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में घट जाएगा, तो अपर कास्ट पीपल वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। सो बीजेपी इन स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट वीपी सिंह सरकार से अपना सपोर्ट को विड्रॉ कर दिया, तो वीपी सिंह सरकार ठीक है। और देन बीजेपी ने कहा कि मंडल को हम काउंटर करेंगे बाय ब्रिंगिंग इन कमंडल, मंदिर का कैंपेन। सो मंदिर बिकेम द सेंट्रल कैंपेन ऑफ द बीजेपी। अर्लियर इट वाज बीइंग हैंडल्ड बाय हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, बट ये जो विथड्रॉल ऑफ सपोर्ट वीपी सिंह के बाद एल के आडवाणी वाज द पार्टी प्रेसिडेंट मेड मंदिर एज द मेन प्लान एंड सेट कि आई विल नॉट रेस्ट फॉर ए डे जब तक मंदिर अयोध्या में न बनकर, एंड उन्होंने उसी से फिर अपना रथ यात्रा का शुरू किया। देश बचा रथ यात्रा करके हम जनता को हिंदू धर्म समाज को मोबिलाइज करेंगे फॉर टू गिव, जो मैंने कहा, मनी मटेरियल एंड मैन पावर, खुद ही आकर के कार सेवा करें, तो ये स्ट्रक्चर बने। ये जो मोबिलाइजेशन उन्होंने किया, वो मोबिलाइजेशन को अफकोर्स अगर उस समय के इतिहास पढ़े कैसे यदि रथ चला, अडवाणी जी का रथ चला, तो हजारों लाखों के लोगों ने वो रथ को फॉलो किया, हर जगह जो रैली किए लाखों की संख्या में लोग घंटा घंटा बैठे रहे सुनने के लिए, एक राम मंदिर का एक बड़ा ह्यूज वेव क्रिएट किया आडवाणी। लेकिन उस समय आप देखें 1990 में मंडल के बाद जो उस समय जो सरकारें जो असेंबली इलेक्शन हुए थे, तो उसमें बिहार और यूपी सब जगह में जो
मंडल प्रोपोनेंट्स लालो यादव मुलायम सिंह यादव ये लोग और में आए थे। तो जैसे लालू यादव मुलायम सिंह यादव उनके जो इलेक्टोरल प्लान में है यादव कम्युनिटी इज ए बिहार में नॉट सो मच इन उत्तर प्रदेश इन बिहार में इट्स ए ह्यूज एंड एक्सट्रीमली पावरफुल कम्युनिटी। उत्तर प्रदेश ऑल्सो इज ए पावरफुल कम्युनिटी इनका नंबर कम है। बिहार में यादव आर ऑलमोस्ट 17-18% इन यूपी में वो 10-11% में से and that's why Lalu Yadav and Mulayam they all form Yadav Muslim combined makes it a huge success story and wo success ko unhone reap karne ka process kiya. So isliye jab ye the sahabano ki success ke bawajood मुसलमान जो ट्रायम्फेंट थे सडनली दे बिकेम डिफेंसिव। इतना बड़ा हिंदू मोबिलाइजेशन देख करके सडनली हिंदूज बिकेम मुस्लिम्स बिकेम डिफेंसिव एंड देन अगेन द इश्यू ऑफ द सिक्योरिटी लाइफ एवरीथिंग केम कमिंग बैक लाइक इट वाज इन 48, 47, 49 जब उनके इन बिटवीन दे हैड बिकम सो स्ट्रांग टू द लाइफ और सिक्योरिटी का कोई परवाह नहीं था दे हैड बिकम कंप्लीटली एंट्रेंड बट ये जो मोबिलाइजेशन हुआ सडनली ये उनके फिर अपीहेंशन सामने आए। तो अपीहेंशन को अले करने के लिए लालू यादवपुर के बोल्ड डिसीजन कि उन्होंने नोटिस दिया कि आप बिहार में अगर एंटर करेंगे मैं आपको ये मार्च करने नहीं दूंगा रथ यात्रा करने नहीं। लेकिन ऑब्वियसली अडवाणी वाज ड्राइंग बिग क्राउड बहुत ये थे तो अडवाणी एंटर किए एंड चले बट लालू यादव टुक दैट स्ट्रॉन्ग डिसीजन टू अरेस्ट हिम। उनको अरेस्ट किया और जेल माने नॉट इन मेनी जेल है ब्यूरो जेल और ये जेल बट एक गेस्ट हाउस में उनको डिटेन करके रखा। लेकिन जो अडवाणी जी ने बाद में कहा कि लालू जी मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाए एयर कंडीशनर दिलाए और टीवी दिलाए और दिखाए कि मैं कितना सपोर्ट है वो सब में उन्होंने कोई कमी नहीं किया हमारे बहुत अच्छे दिखा। लेकिन उन्होंने उनके रथ यात्रा को वहाँ बंद करा दिया। आए वो रथ यात्रा को जब बंद कर दिया तो ऑब्वियसली वो रथ यात्रा में क्या था बीजेपी का ये था कि अक्टूबर 30 तारीख को ऑफ दैट ईयर उनको 1992 अक्टूबर 30 तारीख को सारे जो देश भर से लोग जाके वहां कंग्रीगेट करेंगे और वहां बाबरी मस्जिद को तोड़ डालेंगे और वहां मंदिर का नींव। So, 30 तारीख के पहले उनका रथ यात्रा वहां पहुंचा था 30 तारीख को। लेकिन ये जो डिस्ट्रप्ट हो गया फिर बिहार में वो रथ यात्रा करना संभव नहीं था एंड उत्तर प्रदेश में भी वो इश्यू आया। मुलायम सिंह ने भी कहा यहाँ भी आएंगे तो यहाँ हम भी अरेस्ट करेंगे क्योंकि लालू एट स्टॉलिंग दसो तो उन्होंने भी कहा कि हम तो फिर वो रथ यात्रा को फिर वहां खत्म कर दिए। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 30 डेट वुड बी टू अर्ली। फिर एक डेट बनाया कि दिसंबर 6, 2002 को सारे देश के लोग इकट्ठा होंगे और वहां एंड उसी समय एज यू नो 91 में बीपी सिंह सरकार गया फिर चंद्रशेखर की सरकार आए कांग्रेस के सपोर्ट में वो भी खत्म हो गया। जब कांग्रेस से विथड्रॉ कर लिया इलेक्शन हुए एंड वो इलेक्शन में एज यू नो इलेक्शन में राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ। तो एलटीटी जो राजीव गांधी सरकार में जब थे श्रीलंका में एलटीटी के खिलाफ अपने इंडियन आर्म फोर्सेस को भेजे थे तो एलटीटी ने रिवेंज किलिंग के नाम पे उनको वो तमिलनाडु में सिपरबंदर में जब कैंपेन कर रहे थे एक जो दो तीन लड़कियां जो ह्यूमन बम बनकर के
लेकर के आए एंड उनको प्रणाम करने के ये मैं जब पांव छूने की कोशिश की उस समय प्रेस कर दिया अपने बटन एंड सारे वो तीनों मरे और उसके साथ साथ राजीव गांधी मरे अनदर 15-20 लोग जो राजीव गांधी के साथ इमीडिएट नियर सारे लोग की मैंने बॉडी के पोर्शन सब छोटे 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 पोर्शन 100-100 टुकड़ा में सारे लोग और इतने पावरफुल एक्सपोज सो ये जो राजीव गांधी के असासिनेशन के बाद एक सिंपथी वेव आया लेकिन उस समय दो फेज इलेक्शन हो चुके थे उसमें कांग्रेस हैड नॉट डन वेरी वेल लेकिन उसके बाद जो दो फेज थे उसमें कांग्रेस जीत वेल क्योंकि सिंपथी वोट आया एंड उससे फिर कांग्रेस सरकार में आ गई 1991 में जिसमें नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री बने दो तीन चीजों के लिए फेमस है एक है क्या लिबरलाइजेशन 19 उन्होंने मनमोहन सिंह को जो वित्त मंत्री बनाया और लिबरलाइजेशन का जो सोशलिस्ट इकोनॉमी को डिसमेंटल करके मार्केट इकोनॉमी को इंडिया में लाया दैट वाज ए मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ हिज सेकंड मेजर इशू दैट ही डिड वाज ही ब्रॉट इन पंचायती राज मेड इट एन इंस्टीट्यूशनल mandatory mechanism but most crucial was the Babri Masjid demolition Babri Masjid ye kaha jata hai ki Narasimha Rao khud hi closet hindu the mane congress ke bade neta the lekin wo bhi bade hindu ram lala ka ye janam sthan hai ram ka mandir banna chahiye wo bhi dil mein chahte ये कहा जाता है और इलेवेंथ प्रेसिडेंट सो उस समय जो इतने मोबिलाइजेशन हो रहे थे इतने मैनपावर आ रहे थे इतने रिसोर्सेस आ रहे थे बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया व्हाट इज इट उन्होंने केवल उस समय माइंड यू 91 जो इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी पहली बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया राम मंदिर का कैंपेन इतना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल था कल्याण सिंह बिकेम द चीफ मिनिस्टर तो उन्होंने कल्याण सिंह को बुलाया और बीजेपी के दो प्रमुख नेता अटल बिहारी वाजपेयी और एलके आडवाणी को बुलाया और उनसे एश्योरेंस लिया कि ये मोबिलाइजेशन कर रहे हैं आप धर्म के नाम पे कर रहे हैं करिए लेकिन जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है बाबरी मस्जिद है उसको कोई हानि नहीं होना चाहिए ये हम ये रिटर्न गारंटी लेना चाहते हैं तो कल्याण सिंह ने अपना लिख करके दे दिया कि हाँ मैं गारंटी देता हूँ हम पूरा प्रोजेक्ट करेंगे ऑब्वियसली इन लोगों का तो कोई मतलब नहीं था ये तो पॉलिटिकल लीडर्स थे कोई पोजिशन में नहीं थे अडवाणी और वाजपेयी तो कल्याण सिंह वॉज द मटेरियल कैंडिडेट ही वॉज द चीफ मिनिस्टर तो इन्होंने बीपी सिंह ने नरसिम्हा राव ने अक्रोस अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजा लेकिन जैसे आप जानते हैं इंडिया इज ए फेडरल स्टेट जहां कोई भी सेंट्रल पैरामिलिट्री भेजेगा स्टेट ही उसको डिप्लॉय कर सकता है स्टेट अगर मना कर देगा तो सेंटर उसको कहीं डिप्लॉय नहीं करेगा वो स्टेट के कंट्रोल में ही रहते हैं स्टेट को सपोर्ट करने के लिए आते हैं जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस थे सबको एक ही जगह में कल्याण सिंह ने रुकवा दिया बोला कि नहीं आपको डिप्लॉयमेंट की जरूरत है और उन्होंने केवल अपने पुलिस को वहां तैनात किया करीब 4-5 हजार पुलिस को तैनात किया कि हम बाबरी मस्जिद के प्रोटेक्शन के लिए करते हैं लेकिन जैसे ऑन दैट डी डे जब 10 लाख लोग वहां इकट्ठा होते हैं बट एंड पुलिस को पुलिस क्या कंट्रोल करेगा और पुलिस को ये स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन था और ना गोली चलाएंगे ना लाठी चलाएंगे तो ऑब्वियसली तो 4000 पुलिसमैन 10 लाख लोगों को क्या कंट्रोल करेगा लाठी नहीं चला सकता है और तो ऑब्वियसली पुलिस को धकेल के उन्होंने साइड कर दिया सारे लोग स्ट्रक्चर के ऊपर चढ़ गए एंड पूरे कारीगर लोग थे उन्होंने जो मस्क के जो होल्स थे वो होल्स में और बड़ा छेद बना करके उन्होंने
भी ड्रिलिंग मशीन ले गए थे, उसमें फिर पूरा बड़ा रोप लगा करके वो 15 मिनट 20 मिनट में लास्ट स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर दिया। एंड देन जय राम की मनी चली। तो उसमें एंड हमारे जो ये उस समय हमारे मंत्री जी प्रधानमंत्री जी पूजा कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी को पूजा से उठाया गया सर, वो तो हाँ चला गया। कल्याण सिंह ने तो कहा था कि, तो उन्होंने कल्याण सिंह को फोन किया, कल्याण सिंह तो बोले कि हमने आपको दिया था आश्वासन, इतना लोग जगह जा रहे हम क्या करें, गोली मत गोली चलाते हैं, इतना लोग है तो भाई जनता की इच्छा था तो हो गया, जो भगवान चाह और जनता चाहे तो हो गया, हम क्या करें। तो ऑब्वियसली तो नरसिम्हा राव ने फिर बाकी सबसे कंसल्ट किया। उसी शाम को यूपी गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड, प्रेसिडेंट रूल वाज इंपोज्ड, बट बाय द टाइम द स्ट्रक्चर हैड गॉन कंप्लीटली डिरेज्ड। सो तब से दिस मैटर। तो उसके बाद बीएचपी बीजेपी सबका था ठीक है, हमारा एक जो अगली स्ट्रक्चर था उन्होंने कहा कि ये तो अगली स्ट्रक्चर है, हमारे जगह पे ये था मस्जिद था, ये तो हम हटा दिए तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। उसके बाद मंदिर बनाना है, मंदिर बनाएंगे, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली प्रेजेंस रोल हुआ तो फिर पैरामिलिट्री सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेस आए, ऑब्वियसली वो कुछ नहीं कर पाए, तब से इफ द होल एरिया इज कवर्ड बाय द पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो लेकिन वो दे वर वेरी हैप्पी कि हमने बाबे मस्जिद को, बट उसके बाद एज यू नो ये जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन से बॉम्बे में और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जो मैसिव रायट्स हुए, टेररिस्ट अटैक्स हुए बाय द मुस्लिम टेररिस्ट, जिसमें कहा जाता है दैट पाकिस्तान में जो है दाऊद अब्राहम हैड प्लेड वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन एंड वो उसमें बहुत मुस्लिम के बहुत हिंदू क्योंकि ये जो किलिंग्स हैपेंड बिट ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट जो मार्केट प्लेस में हुए, वो मार्केट प्लेस से बॉम्ब ब्लास्ट हुए, बहुत सारे हिंदू का डेथ हुआ। तो उसके रिवेंज किलिंग जो आए महाराष्ट्र में तो उपली बाल ठाकरे से की एक हिंदू के मरने के लिए 100 मुसलमान मरेगा, ये दैट ओपन कैंपेन एंड वेंट ऑन ए मासेकर स्कीम एंड मोर देन 3,000 मुस्लिम्स वर डाइड इन ए सिंगल डे इन different parts of Maharashtra. So ये जो riots और ये के बाद राम जन्मभूमि issue then did not become anymore a major political campaign and rather it became a legal issue. उसके बाद and partly the fact is that because of this great mobilization, finally in 1999 mein BJP was able to form the government at the same time. That was the very purpose. Hindu mobilization ka purpose tha ki humko power mein aaye. Jab 1999 mein power mein aa gaye, then there was no need for doing the campaign. They put it, the entire Ram Janmabhoomi campaign went to the back burner. उन्होंने कहा हमारे मैनिफेस्टो में है हाँ हम राम मंदिर करेंगे, लेकिन क्योंकि हम अकेले नहीं है, हमारे बाकी साथी भी हैं, वो कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि करना नहीं है, तो इसलिए हम उसको अभी कर नहीं सकते हैं, फिर जब हम अकेले में बाहर में आएंगे तब कराएंगे। तो ऐसा ये है, लेकिन 2004 के बाद तो कांग्रेस भी सरकार में आ गए, तो कांग्रेस सरकार में आ गए, लेकिन द मैटर उस समय ऑलरेडी लखनऊ हाईकोर्ट में चला गया था, फिर आज जबकि विश्व हिंदू परिषद कैप सही वी डोंट केयर अबाउट जुडिशियरी, हम अपना एक्शन लेंगे अपना बनाएंगे, पर बीजेपी हैड टू बिकॉज़ इट्स गोइंग टू बी अ पार्टी इन पावर, बोला कि नहीं नहीं हम तो कोर्ट का जजमेंट को रिस्पेक्ट करेंगे, कोर्ट का नहीं वेट करेंगे। दैट्स व्हाई बीजेपी ऑफिशियली डिड नॉट एसोसिएट विद एनी कैंपेन एट ऑल, जब से वो लखनऊ कोर्ट में लखनऊ के जो कोर्ट ने 2010 में दे दिया, उसके बाद 2010 के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो अभी भी बीजेपी कहता है कि इनफैक्ट आप देखिए 2014 के इलेक्शन में
BJP got a full majority on its own in Lok Sabha election. Abhi Uttar Pradesh mein massive, but we bhi kare, hum abhi kuch nahi kar sakte hain kyunki ye subjugation. क्योंकि जुडिशियल के ये में है, हम इंडिपेंडेंटली एक्शन लेंगे तो फिर वो कंटेंट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, तो हमारे ऊपर एक्शन हो जाएगा. तो इसलिए सो अभी वो ठंडी स्थिति में है, ठंडी अवस्था में, क्या ठंडी अवस्था में है, तो उसके चलते तो ये स्थिति में, अगर ये स्थिति है बीजेपी को इसको कॉन्फ्लिक्टेड करना नहीं है, बिकॉज इट डजंट सर्व एनी मोर पर्पस फॉर देम. क्योंकि इसका पोटेंसी अरे ऑल्सो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट भी खत्म हो गया है, मोबिलाइजेशन का इंस्ट्रूमेंट, और राम जन्मभूमि के नाम पे लाखों करोड़ों लोग मोबिलाइज होने के लिए तैयार नहीं है, जो उद्देश्य भी खत्म हो गया. आज मुसलमान भी ऐसे स्थिति में है कि भाई गाजी मस्जिद तो गया, अभी फिर एंटागोनिज्म दिखा देते हैं. एट द टाइम व्हेन हिंदू मेजोरिटेरियन ग्रुप इज असेंडेंट बिकमिंग पावरफुल, सेंटर में भी सरकार बनाया, यूपी में भी सरकार बनाया, 17 राज्यों में सरकार बनाया, तो इतने जो पावरफुल बनाए, उस समय उनके मुकाबला करके फिर अपना क्यों, इट्स बेटर दैट लाए लो. सो ये सारे हिंदू ग्रुप्स भी लाए लो एंड मुस्लिम ग्रुप्स आर आल्सो लाए लो. इन दैट सिचुएशन इट्स इंपॉर्टेंट दैट व्हाई शुड सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन इन द मैटर, व्हाई शुड सुप्रीम कोर्ट रेक इट अप. सुप्रीम कोर्ट अभी करीब 200 ऐसा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट को कभी डिलीवर किया नहीं. तो अगर ये 201वां केस हो जाए तो क्या खराबी है, इफ इट बिकम्स 201st केस की भाई ये भी एक जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू स्लीप ओवर इट, नॉट लूज स्लीप ओवर इट, उसके ऊपर नींद अपना खराब करने का जरूरत है, जस्ट स्लीप ओवर इट. कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं इफ यू स्लीप ओवर इट वो प्रॉब्लम ग्रेजुअली सॉल्व हो जाते हैं. सो ये इस तरह का एक प्रॉब्लम है, उसका जो पोटेंसी धीरे धीरे खत्म हो गया है. अगर सुप्रीम कोर्ट इतना सोने दें, ये वो बीजेपी एंड संघ परिवार भी उसको लेके सो रहा है, मुस्लिम ग्रुप्स भी सो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी अगर सो जाए शायद ये देश के हित में होता और देश में जो कम्युनल पीस के हित में भी होता. So that's why that should be an appeal. Supreme Court should not interfere or should not seek to mediate. Okay. Any question? Let's see you abroad. Chali abroad. Thank you.